आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। मैं निशा पाल, चलते हैं ताजा खबरों की ओर। 7 दिवसीय श्रीराम कथा का हुआ विश्राम। महाराजगंज जौनपुर क्षेत्र के सवनसा स्थित हनुमान मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीराम कथा के विश्राम दिवस पर काशी से पधारे कथा व्यास निर्जानंद शास्त्री जी महाराज द्वारा 7 दिवस में उनके मुखारविंद से भक्तों ने किया श्रवण किया। उन्होंने खुद बताया और जनता को क्या संदेश दिया, सुनते हैं उन्हीं के मुखारविंद से। अमित पांडे, मंडल हेड, वाराणसी। हमें लोग निर्जानंद शास्त्री के नाम से जानते हैं और मुझे यहाँ बुलाया गया है कथा करने के लिए। मैं काशी से यहाँ आया हूँ जी, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है जी जी जी। और 7 दिन की कथा में आपने अब तक क्या सुनाया, दर्शकों को जरा सा बताएं। इस 7 दिन की कथा में भरत चरित, हनुमान चरित और श्री सीताराम विवाह की व्याख्या हुई। और क्योंकि श्री सीताराम विवाह मंगल का प्रतीक है, कोई मंगल से ही कार्य शुरू करना चाहिए, और मैंने मंगल से श्री सीताराम विवाह से प्रारंभ किया। भरत जी के चरित्र को मैं जीवन में इसलिए उतरवाने का कोशिश किया कि भरत जी का जो आश्रय लेगा, भरत जी का जो जीवन में चरित्र उतारेगा, उसे राम जी की भक्ति मिलेगी। क्योंकि भरत जी का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ था और राम जी का भी अवतार मानवों को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था। क्योंकि जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। तो जो भरत जी का राम जी के चरित्र का अनुसरण करेगा, उसके जीवन में धर्म आएगा, और जब धर्म आएगा तो जीवन में सुख आएगा। क्योंकि धर्म बिना सुख मिल नहीं सकता है। और जरा सा जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं बताएं। दर्शकों को और श्रोताओं को ही संदेश देना चाहते हैं कि रामचरितमानस को जीवन में उतारा जाए। क्योंकि रामचरितमानस किसी के जातिवाद से नहीं है। रामचरितमानस ना हिंदू बनने का प्रेरणा देता है, न मुसलमान बनने का प्रेरणा देता है। रामचरितमानस जीवन में एक इंसान बनने का प्रेरणा देता है। जो रामचरितमानस का सहारा लेगा, उसके जीवन में इंसानियत आएगी, मानवता की स्थापना होगी। भागवत कथा राम कथा में कुछ अंतर इसका? भागवत कथा राम कथा में अंतर नहीं है, देखा जाए तो बहुत अंतर है। भागवत कथा योग दर्शन है और रामचरितमानस प्रयोग दर्शन है। वो जोड़ती है, ये प्रयोग करके जोड़ती है। दोनों में यही अंतर है। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों में आनंद है। रसो वैसा रस, दोनों लोग रस राज हैं, दोनों लोग रस देते हैं।